नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो कोई परेशानी या बीमारी नहीं है। आज हम एक बेहद साधारण विषय पर, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो विषय वो है, अच्छी सेहत को कैसे प्राप्त किया जाए। तो देखिए, अच्छी सेहत हम सभी का एक परम उद्देश्य होता है और हम इसके लिए काफी प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के प्रयास सफल होते हैं, कुछ के सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उसी पर आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी सेहत का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अच्छी सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हम धन से दवाइयां तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जिस व्यक्ति के पास स्वस्थ मस्तिष्क होता है वही व्यक्ति सुखी, समृद्ध और खुशहाल होता है। अच्छी सेहत के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कैल्शियम। तो देखिए, कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक है। ये हमारे शरीर के कई कार्य करता है। हमें प्रतिदिन 800 से 1200 मिलीग्राम की मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि हमें मिलेगा किसमें। तो देखिए, इसका के जो सबसे अच्छे स्रोत है वो है, सबसे पहला मलाई वाला दूध, दूसरा दही, तीसरा पनीर, चौथा पालक, पांचवा अंडा, छठा खसखस, और सातवां है जो आपका अंजीर। तो देखिए, इन सात चीजों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आपके शरीर में संतुलित मात्रा में कैल्शियम होगा तो आपके जो दांत है वो असमय यानी कि समय से पहले नहीं टूटेंगे। दूसरा इसका जो लाभ होता है वो होता है कि जो आपकी हड्डियां होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। तीसरा इसका लाभ होता है, पैरों में आने वाले क्रैम्प से आपको बचाता है। चौथा इसका लाभ ये होता है, अनिद्रा की समस्या यानी कि आपको नींद न आने की जो समस्या होती है उसको ये दूर करता है। और इसके बाद पांचवा जो इसका लाभ वो ये है कि महिलाओं में महामारी के दर्द को कम करता है। तो ये इसके कुछ लाभ होते हैं। अब जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो देखिए, इसका यह नुकसान है कि अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये जो हमें गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। दूसरी जरूरी चीज है मैग्नीशियम। तो देखिए, मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल है। अब ये जानते हैं कि हमें कहां मिलता है यानी किन में मिलता है। तो सबसे पहले तो बादाम, दूसरा अखरोट, तीसरा मूंगफली, चौथा मक्का, पांचवा मछली, छठा चोकर युक्त आटा। तो ये इन छह चीजों सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला लाभ क्या होता है, शरीर की थकान को दूर करता है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है, हृदय को शक्तिशाली बनाता है। तीसरा इसका लाभ है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में होने वाली टूट फूट को सही करता है। और चौथा इसका जो लाभ ये है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित कर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो देखिए, इसका नुकसान ये होता है कि अगर हम इसका जरूर से ज्यादा सेवन करते हैं यानी कि इसका अत्यधिक सेवन करते हैं तो क्या है, हमारी जो किडनी है, जो हमारा गुर्दा होता है, उसको जो है डैमेज कर सकता है। तीसरी जरूरी चीज है पोटेशियम। तो देखिए, पोटेशियम क्या है, हमारे रोजमर्रा के खान पान से मिलने वाले पोषक तत्वों में से एक है। पोटेशियम हमारे मेटाबॉलिज्म के सही से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब ये जानते हैं हमें कहां मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो केला, चाहे पका केला हो या कच्चा केला हो, दूसरा आलू, तीसरा पालक, चौथा टमाटर, पांचवा शकरकंद, छठा खजूर, सातवां मुनक्का। ये सात चीजों में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला लाभ क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां होती है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा इसका लाभ है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा इसका लाभ है, आपकी जो पाचन क्षमता होती है उसको उसमें सुधार करता है। चौथा इसका जो लाभ है वो ये है कि ये जो है क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए आपको मदद करता है। अब ये जानते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। तो देखिए, इसका भी यही नुकसान है कि अगर हम इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये हमारी जो किडनी होती है उसको कमजोर कर सकता है।
चौथी जरूरी चीज है सोडियम। तो देखिए सोडियम का जो हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने और मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों तक और अन्य भागों से मस्तिष्क तक सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद करने का कार्य होता है। अब ये जानते हैं कि हमें किस में मिलेगा, तो देखिए इसका सबसे अहम जो आपका स्रोत है वो है नमक, दूसरा है गाजर, तीसरा है पालक, चौथा है चुकंदर, पांचवा है दूध और छठा है आपका पनीर। तो इन छह चीजों में सबसे ज्यादा आपको मात्रा में पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं, तो देखिए इसका सबसे पहला लाभ यही होता है कि ये क्या करता है, जो आपके शरीर में पानी की मात्रा होती है उसको नियंत्रित रखता है। दूसरा क्या है इसका लाभ कि दस्त में डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण से आपको बचाता है। तीसरा इसका लाभ आपका ये है कि मसल्स और नर्व तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद इसका चौथा लाभ ये है कि रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने मदद करता है। और पांचवा इसका जो लाभ है वो ये है कि जो आपके हृदय की धड़कन होती है यानी कि दिल की धड़कन होती है उनको जो है ये सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। अब ये जानते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं, तो देखिए इसके नुकसान ये होते हैं कि अगर हम इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारा जो रक्तचाप है वो बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है, तो ये इसका नुकसान है। पांचवी जरूरी चीज है जिंक। तो देखिए जिंक या जस्ता हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। इसका कार्य हमारे शरीर के ठीक से कार्य करने और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी होता है। अब ये जानते हैं हमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो लहसुन, दूसरे नंबर पे राजमा, तीसरे नंबर पे दालें, चौथे नंबर पे सोयाबीन, पांचवें नंबर पे मशरूम, छठे नंबर पे गेहूं, सातवें नंबर पे अनार, ठीक है। तो ये इन आपको सात चीजों में आपको ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं, तो देखिए इसका सबसे पहला लाभ क्या है कि घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। दूसरा लाभ है पाचन क्षमता बढ़ाता है। तीसरा इसका लाभ है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। चौथा इसका लाभ है आपका प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। पांचवा इसका जो लाभ है वो ये है कि त्वचा रोग जैसे कि सोरायसिस है, मुहासे है, एक्जिमा है, इनको सही करने में मदद करता है। अब ये जानते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं, तो देखिए इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर इसकी आपके शरीर में कमी होगी तो आपको डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाएगी। दूसरा इसका जो नुकसान वो है कि इसकी जो कम शरीर में कमी से व्यक्ति की सूंघने की और स्वाद की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तीसरा इसका नुकसान ये है कि इसकी कमी से बालों की और नाखूनों की ग्रोथ कम हो जाती है, तो ये इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। छठी जरूरी चीज है सेलेनियम। तो देखिए सेलेनियम क्या है, दुर्लभ खनिज है। ये क्या करता है, कैल्शियम, जिंक और तांबे के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। अब ये मिलता किसमें है, तो सबसे पहले तो ये अखरोट में मिलेगा, दूसरा दूध और दूध से बने पदार्थ, तीसरा सूरजमुखी के बीज, चौथा ब्राजील नट। तो इन चार चीजों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं, तो देखिए इसके अगर आपके शरीर में संतुलित मात्रा हुई तो आपकी जो त्वचा होती है उसमें लचीलापन जो है बना रहता है। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि नेत्र क्षमता सामान्य बनाए रखता है। तीसरा इसका लाभ ये है महिलाओं में मेनोपॉज के समय होने वाली परेशानी से महिलाओं को बचाता है। और चौथा जो आपका इसका लाभ वो ये है कि पुरुषों में स्पर्म संख्या यानी शुक्राणु की संख्या होती है उसको सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। अब ये जानते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं, तो देखिए इसका पहला नुकसान ये है कि अगर इसकी आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको डेंड्रफ की समस्या हो सकती है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि शरीर में इसकी कमी से आपकी त्वचा में समय से पहले झुर्रियां पड़ सकती हैं। और तीसरा नुकसान इसका ये है कि शरीर में इसकी कमी से कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। सातवीं जरूरी चीज है आयरन। तो देखिए आयरन हमारे शरीर के लिए अत्यंत जरूरी है, इसे हम लोह तत्व भी कहते हैं। ये जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करने का कार्य करता है। अब ये जानते हैं हमें किस में मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो गुड़, दूसरा हरी सब्जियां, तीसरा अंजीर, चौथा काला अंगूर, पांचवा आपका काला चना, छठा चुकंदर। तो देखिए ये छह चीजों सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब जानते हैं इसके क्या लाभ होते हैं, तो इसका सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है एनीमिया यानी कि खून की कमी से आपको बचाता है। दूसरा इसका लाभ ये होता है
कि आपकी थकान को मिटाने में मदद करता है। तीसरा इसका लाभ ये होता है कि आपका जो विकास होता है उसमें मदद करता है। चौथा इसका लाभ ये होता है कि ये जो है आपके नाखून और बालों में क्रांति लेकर आता है। पांचवा इसका लाभ ये होता है, नाखूनों को टूटने से बचाता है। अब ये जानते हैं कि इसके क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, इसके जो सबसे पहला नुकसान वो ये है कि अगर इसकी आपके शरीर में कमी होगी तो आपका जो विकास है वो रुक जाएगा। दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि इसकी कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तीसरा इसका नुकसान ये है कि अगर आपकी इसके शरीर में कमी होगी तो आपको जो है थकान बनी रहेगी। तो ये इसके नुकसान होते हैं। आठवीं जरूरी चीज है कॉपर। तो देखिए, कॉपर जिसको कि हम ताम्र भी कहते हैं, हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। ये हमें किस में मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो तांबे के बर्तन में रखे पानी में, दूसरा मूंगफली में, तीसरा मशरूम में, चौथा शेलफिश में। ये इन चार चीजों में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलता है। इसके बाद अब जानते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। तो इसका सबसे पहला लाभ यह है, गठिया की पीड़ा को दूर करने में या कम करने में मदद करता है। दूसरा आपका इसका लाभ यह है कि जो हृदय होता है, हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है। तीसरा इसका लाभ ये होता है, मस्तिष्क के कामकाज में सुधार करता है। चौथा इसका लाभ ये होता है, गले के संक्रमण से बचाने में मदद करने में मदद करता है। अब ये जानते हैं इसके क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर हम इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें सिर दर्द की समस्या हो सकती है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि इसका अधिक सेवन करने से डिप्रेशन या अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। तो ये इसके नुकसान होते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि अच्छी सेहत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, उस पर वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।